जेडी गोयन का पब्लिक स्कूल गया में द ग्लोबल करियर समिट समारोह की रही धूम। जेडी गोयन का पब्लिक स्कूल गया में छात्र छात्राओं हेतु शिक्षा जगत में वैश्विक स्तर पर तैयार करने के संबंध में द ग्लोबल करियर समिट कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। शिक्षा से संबंधित इस रंगारंग कार्यक्रम को नर्सरी, प्राथमिक, जूनियर व सीनियर तीन स्तर में बांटकर आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बेहद हर्षोल्लास के साथ व शैक्षिक जगत में उच्चतम स्तरीय मंचन पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जेडी गोयन का पब्लिक स्कूल गया के चेयरमैन श्री रविंद्र सिंह राठौर, प्राचार्य श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव व कार्यपालक प्राचार्य डॉक्टर एच के पांडे जी के द्वारा परंपरागत दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदुपरांत बच्चों के उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम देखकर अभिभावक गण ने बेहद सराहना करते हुए कहा कि हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य उत्तम हाथों में है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयरमैन श्री रविंद्र सिंह राठौर ने कहा, मैं छात्रों की गुणात्मक शिक्षा व एक्टिविटी के लिए उन्नत तकनीक और उपकरणों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए प्रत्येक संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित हूँ। प्राचार्य कीर्ति श्रीवास्तव जी ने कहा, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को इंटरसलियम के साथ विदेशी शिक्षा से समागम कर वैश्विक स्तर पर प्रतिभा करते हेतु तैयार करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो, तथा अभिभावक गण को हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद प्रस्तुत किया। कार्यपालक प्राचार्य डॉक्टर एच के पांडे ने सभी छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने हेतु सराहना की तथा बच्चों के उत्तम मार्गदर्शन करने हेतु अभिभावकों को सम्मानित किया। जीडी गोइंग का गया, वी आर सेलिब्रेटिंग द ग्लोबल करियर समिट फॉर चिल्ड्रन टू चैनलाइज देयर एनर्जी देयर पोटेंशियल इन अ राइट वे इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ वी आर नॉट एबल टू डू दैट, वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द चिल्ड्रन। सो एट जीडी गोइंग का I have come here, or in fact, sir has planted me here to take care of the future of the children. He is one of the greatest visionary I have ever seen. Rathore sir, salute to you. So his vision is that every year, few students of GD Goenka should be capable enough, should be able to enough take admission in foreign universities. It is just about the exposure. It is about channelizing their talent in a way. So somebody who can make them go through this path is here today, and that is how I am here. Through internationalism, I want to tell everyone that there are a lot of ways we can send the children on full 100% scholarship to nations or countries like US, UK, Germany, Canada, and it is not impossible. Everything is possible, only we need to work in a proper way. So the children of GD Goenka, they are already doing very good in subject like maths, science and also English. I am yet to see a school who speaks such lovely English. All the students of GD Goenka, 100%, they speak good English in American accent. So I want that I should take these children to a next level platform where they get admission in international universities and they get recognized. बढ़ेगा, लेकिन आप मतलब एक एक्टिविटी लर्निंग होता है, एक होता रूट लर्निंग होता है जो सब्जेक्ट वाइज जो है, जैसे कि आप पढ़ाते हैं रूट लर्निंग प्रोसेस होता है, एक होता एक्टिविटी। तो हम लोग जो मॉर्निंग में बच्चों को लगाते हैं क्लास, वो टोटली एज ए फनी आपका है, तो उसका एक यानी कि कम्प्लीटली जो है ना वो गेम पर डिपेंड है। हाँ, गेम है, छोटी छोटी जो लिविंग लेजेंडरी है या फिर जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करा है, उसको एक फिल्म के माध्यम से बच्चों को, वहाँ प्रेशर की बात नहीं है, बच्चे के माइंड और फ्रेश हो जाते हैं। और शाम में भी हम लोग काम करते हैं 7 to 8, वहाँ भी टोटली एक्टिविटी बेस्ड है। और बच्चे भी, बात ये नहीं है कि हमारा स्कूल इस पर काम कर रहा है, बच्चे खुद से वीडियो बनाकर, छोटी छोटी 4 to 5 मिनट्स का फिल्म बनाकर उस दौरान बच्चे तैयार करते हैं, इसलिए प्रेशर आने की बात ही नहीं। मैंने देखा, आप लोग देखे होंगे 100% बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं। और मैं तो सैल्यूट करता हूँ, हम लोग अगर इस एज में, इस टाइम पे हम लोग को सही और एजुकेशन मिला होता शायद और आगे जाते। खैर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी गॉड ने दिया है टीचिंग का,
तो और कुछ बताइए कुछ पूछना है? और बड़ी बात है, हमारे यहाँ प्रिंसिपल सर थे एच के पांडे, जो अब एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल हो गए, कॉन्टेंट्स राइटिंग करेंगे। और ये जो हम लोगों ने सपना देखा, उसके लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनलिज्म जो क्रिएट करते हैं, जिनके पास में एक इंटरनेशनल एजुकेशन का एक ह्यूज, एक बड़ा सा एक्सपीरियंस हो, उनकी ज़रूरत था, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता। तो आज जो है सिंधिया स्कूल के जो पहले मैम थी प्रिंसिपल, और अब यहाँ मैम ने ज्वाइन करा है, तो ये गया वासियों के लिए तो बहुत बड़ा उपहार है, जो एक इंटरनेशनल लेवल का प्रिंसिपल गया की धरती को मिला है। बस आप लोगों से यही शुभकामना है, और सारे पेरेंट्स के तरफ से मैम से रिक्वेस्ट है कि आप आए हैं तो हम सभी गयावासी बहुत ही उत्साहित है, ताकि मेरे बच्चे भी अब सपना सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए जाके पढ़ सकता है, वहाँ से स्कॉलरशिप ले सकता है। मैम कभी बताएंगे अपने लेक्चर में 100% भी, यानी यहाँ जो IIT कॉलेज है इंडिया के अंदर, उसको जो उसका जो फीस है, उसी फीस में बच्चे ऑस्ट्रेलिया और यूके पढ़ सकता है। जानकारी के अभाव में लोग उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। आज से अगर देखें पीछे जाए, हाँ 10 से 11 वर्ष पहले UPSC से लेकर कैट हो या बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि जितने नेशनल लेवल पर सिलेक्टेड होते थे बच्चे, उन बच्चों में से एवब 65% अराउंड 70% बच्चे बिहार के हुआ करते थे। लेकिन जब से लैंग्वेज का मार्क्स एड हुआ है, बिकॉज हमारे देश में जो अपॉर्चुनिटीज है वो तो है ही, लेकिन हमारे देश में इतना प्रतिभा है, इतना टैलेंट्स है, तो जो टैलेंट्स हमारे यहाँ है उन्हें मौका, जो सही अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से बच्चे ओवरसीज और बाहर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा देश डेवलप हो रहा है, लेकिन बच्चों को एक सही मौके की तलाश है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, एक ग्लोबल लेवल पर एक ग्रैंड ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है, जो कि बच्चे कैश नहीं कर पा रहे हैं, और जानकारी के अभाव में लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से कतराते इसलिए है, क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये ऑलरेडी फिट हो रखा है कि बाहर भेजने का मतलब, जैसे आप ही में से किसी को पूछेंगे कि आपके बच्चे बड़े होकर ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिनलैंड जाना है या यूके जाना है, यूएसए जाना है, पोलैंड जाना है, तब बोलेंगे नहीं ये तो बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे कैसे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वहाँ पर जो उससे रिलेटेड कंसर्निंग एग्जाम है, चाहे IELTS हो, चाहे TOEFL हो, चाहे GRE हो, SAT हो, जो भी एग्जाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर होता है, तो हम लोग उस एग्जाम से पहले अपने स्कूल में नेशनल लेवल पर जितने एग्जाम होते हैं उसमें बच्चे जो स्कॉलरशिप का जो एग्जाम होता है, तो उसको हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एग्जाम होता है उसकी कॉन्टेंट्स जो है लिसनिंग, लर्निंग, राइटिंग है ना।